में जो लोग हैं वो समाज बांट के ही काम करते हैं। जब तक दरार नहीं पैदा करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और केवल समाज में दरार जीवी लोग दरार डाल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनीति का। जो घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, हरियाणा में, जो नकार दी गई हैं जनता ने, कोई घटना कहीं हो उसकी निंदा होनी चाहिए। और खासकर अगर बेटी महिलाओं के साथ हो, कहीं भी हो, उसकी हम निंदा करते हैं। और जो इस तरह की घटना में शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ अरे पीछे से फिर मैं उम्मीद करता हूं, मैं जाति जनगणना की बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, फिर पीछे से कुछ बोल देंगे आप, कब तक बोलते रहोगे। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास हो गया। सबका साथ तभी आएगा जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। और गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है जाति जनगणना। और जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय, और जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं, या जो आपने 56 में 46 बोला, 46 में 56 बोला, कम से कम आज तो सूची लेकर के आए होंगे नेता सदन। चलिए अब सुन लीजिए, इसे नेता सदन वो सूची जरूर लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, मैं बात खत्म कर रहा था लेकिन अभी फिर राइट हो गए आप, मैं इधर ही हूं सर आपकी तरफ, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मैं जो लोग हैं वो समाज बांट के ही काम करते हैं। जब तक दरार नहीं पैदा करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और केवल समाज में दरार जीवी लोग दरार डाल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनीति का। जो घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, हरियाणा में, जो नकार दी गई हैं जनता ने, कोई घटना कहीं हो उसकी निंदा होनी चाहिए। और खासकर अगर बेटी महिलाओं के साथ हो, कहीं भी हो, उसकी हम निंदा करते हैं। और जो इस तरह की घटना में शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ अरे पीछे से फिर मैं उम्मीद करता हूं, मैं जाति जनगणना की बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, फिर पीछे से कुछ बोल देंगे आप, कब तक बोलते रहोगे। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास हो गया। सबका साथ तभी आएगा जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। और गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है जाति जनगणना। और जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय, और जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं, या जो आपने 56 में 46 बोला, 46 में 56 बोला, कम से कम आज तो सूची लेकर के आए होंगे नेता सदन। चलिए अब सुन लीजिए, इसे नेता सदन वो सूची जरूर लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, मैं बात खत्म कर रहा था लेकिन अभी फिर राइट हो गए आप, मैं इधर ही हूं सर आपकी तरफ, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।